शर्म करो, मोदी नीतीश सरकार शर्म करो, आवाज दो, आवाज दो, ईडी सीबीआई मुर्दाबाद, ईडी सीबीआई मुर्दाबाद। हम लोग बिल्कुल बीजेपी के विरुद्ध हैं। कल जो हुआ था बंद भारत बंद, उसने उस बंद भारत बंद ने प्रधानमंत्री जी की नींद उड़ा दिया। हमारी मांग है कि जेपीसी की जांच तुरंत बैठाई जाए। नमस्कार, मैं फरहत अफसर, आप देख रहे हैं उल्टा चश्मा यूसी। देखिए, कांग्रेस के लोग जो है, कांग्रेस के कार्यकर्ता मंत्री जो है, सड़कों पे उतर गए। आपको बता दें, हिडन बर्ग का जो रिपोर्ट आया, जिसको लेकर के वो विरोध में मार्च कर रही है, अभी गांधी मैदान में है और ईडी दफ्तर जाएगी। क्या कहिएगा, क्यों सड़कों पे उतरे हुए? हम लोग बिल्कुल बीजेपी के विरुद्ध हैं। बीजेपी का जो भी कार्यक्रम हो रहा है, सभी कांग्रेस के खिलाफ हो रहा है, और वो हम लोगों को मानवता के दृष्टिकोण से नहीं देख रहे हैं। हम लोग पर आखिरी शोषण होने जा रहा है, इसलिए हम लोग एक झंडा के नीचे हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। आप क्या करिएगा? हिडन वर्ग का जो रिपोर्ट आया है, ये सिद्ध कर दिया है कि मोदी सरकार अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए इस देश को गर्त में मिला रहा है। सेबी का मिसयूज हो रहा है, ईडी का मिसयूज हो रहा है। इसकी जेपीसी जांच हो, जेपीसी जांच हो, जांच हो। हाँ, तो आप देख सकते हैं, संख्या हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ पे सभी लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, पुलिस की तैनात भी यहाँ पे मौजूद है। चलिए, क्या कहिएगा सर? ये जो ईडी के माध्यम से जो करोड़ों अरबों खरबों रुपए का जो ये मंगवाया जा रहा है सेल कंपनी से, और वैसी सेल कंपनी जो मनमोहन सिंह की सरकार में बैन कर दिया गया था, उसको रीओपन करके सेम नाम से मंगवाया जा रहा है, तो क्या इसमें सेबी के चीफ की गिरफ्तारी की मांग नहीं बनती हमारी? बिल्कुल बनती है। और जिन्होंने खुलासा किया है हिंडनबर्ग, वो पूरी दुनिया में ऐसे बड़े बड़े चीज़ों का खुलासा करता है, वो कोई एक देश का खुलासा नहीं करता है। तो हम चाहते हैं कि आपने जांच अब तक क्यों नहीं बैठाया? मोदी जी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी करप्ट है, 70 साल खा। सरकार में कौन है अभी? कौन है? हम करप्ट थे, अभी कौन है वो? किस तरह का झूठा बात मोदी जी करते हैं? अभी 10 साल से कौन है? मोदी जी झूठ बोलने का काम करते हैं। अभी मोदी जी के शपथ लेने के बाद 30 से 35 सैनिक शहीद हो चुका है, उसका हिसाब किताब कौन देगा? 30 से 35 सैनिक शहीद हुआ है, उसका अग्निवीर लाना भारत से देशद्रोह का काम है। जो सेना का सिपाही बैटल फील्ड में लड़ते हुए शहीद हो रहा है, आप उसको शहीद का दर्जा क्यों नहीं देंगे? क्यों आप उससे शहीद का दर्जा लेना चाहते हैं? क्यों अपने व्यापारी मित्रों को करोड़ों और अरबों का चंदा माफ कर रहे हैं, कर्जा बैंक से माफ कर रहे हैं? किस तरह की सरकारी कंपनियों को बेचकर पैसा दिया जा रहा है? वो इंदिरा गांधी एयरपोर्ट और मुंबई एयरपोर्ट और बड़े बड़े एयरपोर्ट को कैसे खरीद रहा है? इसकी क्या ऑडिटिंग की गई है? क्या ऑडिटिंग किया गया है? क्या कोई ऑडिटिंग रिपोर्ट नहीं है? तो इस तरह से जुल्म से लड़ने के लिए हम लोग तैनात बैठे हैं कि प्रधानमंत्री जी को इस पर कार्रवाई करवाएंगे। सेबी चीफ को हटाने के लिए अभी हम लोग ईडी के दफ्तर जा रहे हैं, और देखिएगा आने वाले समय में कि जैसे जैसे तरह तरह के बिल अब उनको वापस लेने पड़ रहे हैं, वो ये भी लेना पड़ेगा। कल जो हुआ था बंद भारत बंद, उसने उस बंद भारत बंद ने प्रधानमंत्री जी की नींद उड़ा दिया। ये जान गए कि भारत में हमारी पहुंच क्या है। तो इंडिया आप लोग शामिल थे कल? शामिल क्या थे? हमारा आप लोग तो सपोर्ट है, लेकिन आप लोग के तो कार्यकर्ता लोगों को नहीं देखा गया? नहीं देखा गया, उससे क्या होता है? हमारे कार्यकर्ता ड्रेस में भी रहते हैं, अनड्रेस भी रहते हैं। हमारे कर्ता क्यों नहीं आएंगे भारत के? आप यूपीएससी में लेटरल हायरिंग क्यों कर सकते हैं? आप आरक्षण को खत्म कैसे कर सकते हैं? ये जब संवैधानिक रूप से पास है संसद में, तो आप कैसे उसको रोक सकते हैं? जिस तरह से आज सेबी जैसी संस्था पर प्रश्न लग गया है, तो आज ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और इसीलिए जेपीसी की मांग कांग्रेस द्वारा की जा रही है, लेकिन सरकार मुखबधिर की तरह, हमेशा की तरह जो चुप्पी रहती है, वो चुप शांति बनाई हुई है। इसलिए हमारी मांग है कि जेपीसी की जांच तुरंत बैठाई जाए, और जो सामाजिक न्याय और हिस्सेदारी की लड़ाई जो कांग्रेस पार्टी लड़ रही है, हमारे जननायक श्री राहुल गांधी जी लड़ाई लड़ रहे हैं, उस लड़ाई के लिए सामाजिक आर्थिक एवं जातीय जनगणना बहुत जरूरी है, ताकि ये मालूम चल सके कि किस जाति की क्या स्थिति है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो या जातीय हो। इसलिए हमारी मांग है कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द जातीय जनगणना करा करके हिस्सेदारी तय करे। आप लोग क्या करने वाले? कल भी देखे, खूब बड़ा प्रदर्शन हुआ था, भारत बंद था और लाठी चार्ज भी हुआ था, आज भी ऐसा हो सकता है, क्या करिएगा? बिल्कुल,
लाठी की परवाह हम लोग नहीं करते हैं, लाठी चलाने वाला चलाते रहे उसे कोई दिक्कत नहीं है। कल हक और हिस्सेदारी के लिए देश का अनुसूचित जाति जनजाति कल सड़क पे था और पुलिस ने, बिहार पुलिस ने निर्ममता से लाठी चार्ज किया, हम इसकी भर्सना और निंदा करते हैं और ये हक और आंदोलन की लड़ाई जारी रहेगी। देखिए फिर से देखिए कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता, कांग्रेस के मंत्री नेता देखिए सड़कों पे उतर चुके हैं, आक्रोश मार्च निकाले हैं। फिर से आपको बता दें गांधी मैदान से होते हुए ईडी दफ्तर पर जो है घेराव करने वाले हैं, इस बार ठान लिए हैं कुछ भी होगा लेकिन जो अपनी आवाज को उठा के रहेंगे क्या कहिएगा। और पूरी तरह से भ्रष्टाचार, आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है मोदी सरकार, वो खुद घोटाला कर रही है और लोगों से करवा रही है, जितना सरकारी एजेंसी है सबको तोता बना करके रखा गया है। आज हम लोग ईडी कार्यालय पर प्रदर्शन कर रहे हैं और ये संदेश देने का कोशिश कर रहे हैं, जो मोदी सरकार शुचिता की दुहाई देता था, आकंठ भाजपा और तमाम जितने भी नेता है केंद्र सरकार के सब लोग ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं की आवाज को दबाने का प्रयास कर रहे हैं। सहारा का पैसा, गरीबों का सहारा का पैसा अमित शाह वापस करो। सहारा का पैसा, गरीबों का पैसा अमित शाह मोदी वापस करो। 20,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया गया है, 20,000 करोड़ रुपए का राफेल घोटाला भी हुआ है, इन तमाम घोटालों की जाँच होनी चाहिए। और महिलाओं भी सारा देश देश के पैसा कौड़ी जितना है उतना हम लोग का सुरक्षित नहीं है, सारा हिसाब किताब ले जाकर अंडानी अंबानी के दे रहे, राजा बना रहे खुद के। हम लोग सरकार झुकेगी नहीं, हम लोग छोड़ने वाले नहीं है, इस सरकार को झुका के छोड़ेंगे, इस सरकार को बता के छोड़ेंगे कि सत्य क्या क्या असर होता है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं हो सकता है। सारी जनता जाग चुकी है, जनता जान चुकी है कि नरेंद्र मोदी का ये ज्यादा दिन सिलसिला चलने वाला नहीं है, ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। और फिर उसके बदले कौन बनेगा? अब राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे देश का और वो सबको लेकर के चलने वाले हैं, देश में स्थापित करेंगे राहुल गांधी। मांगे क्या है? जिंदाबाद जिंदाबाद। डायरेक्टर को इस्तीफा दिलवाना है, डायरेक्टर इस्तीफा दे, मोदी की नहीं चलेगी, हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, देख सकते हैं पुलिस भी अपनी ड्यूटी में लगी हुई है, ईडी दफ्तर के पास भी है पुलिस खड़ी हुई है, कहीं ना कहीं पूरी प्रयास में है कि अंदर जाने नहीं दिया जाएगा, उनको पूरी रोकने की कोशिश की जाएगी। सहारा का जमीन बेच के गरीबों को पैसा दो हमेशा, वरना इस बार थोड़ा गरीबों का हाय लगेगा। ईडी दफ्तर तो आना ही चाहिए भैया, जिस तरह सेबी के चेयरमैन का भ्रष्टाचार में संलिप्तता, उस संलिप्तता के खिलाफ आज कांग्रेस पार्टी सड़कों पर, ईडी के जो अभी जो चेयरमैन है सेबी का, उस पर अपराध, उस पर बहुत सारा भ्रष्टाचार लग गया, उस पर उसके खिलाफ यहाँ पर धरना पे आए हैं हम लोग और धरना लगातार रहेगा। ईडी के अधिकारियों को ज्ञापन देना है कि भाई सेबी के चेयरमैन पे जांच बैठाइए और जो लोग स्टॉक मार्केट में घोटाला किए उन पर कार्रवाई होना चाहिए। धरना, अरे भैया धरना ही जो देश से हुआ है, काहे इतना उतरा गए हैं, थोड़ा समय दीजिए ईडी के, जब तक चेयरमैन को इस्तीफा, जब तक सेबी के चेयरमैन का इस्तीफा नहीं होगा तब तक हम लोग धरना देते रहेंगे। ईडी दफ्तर पहुंचा, ईडी का मिस बुच को अविलंब उन पे कार्रवाई किया जाए जो सेबी के चेयरपर्सन हैं। आपको भी पता है कि हिंडनबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार कि ये सेबी के जो चेयरपर्सन है उसमें महा घोटाले में शामिल है, जबकि हिंडनबर्ग के अडानी के बेनाम संपत्तियों का जो ब्यौरा सेबी को दिया गया था जांच करने के लिए, कहीं ना कहीं सेबी भी उसमें ही महा घोटाले में शामिल है, आपको पता होना चाहिए। अब बताइए कि जब घोटालेबाज को ही घोटाले में शामिल होता है वो क्या करेगा? इसीलिए हमारे LOP आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने जेपीसी की मांग की थी, जिसको अभी वर्तमान सरकार JPC गठन करने से इनकार कर रही है। मैं यही कहूंगा कि जल्द से जल्द JPC का गठन किया जाए और अविलंब सेबी के चेयरपर्सन पे जांच होना चाहिए और कार्रवाई होना चाहिए। सेबी जैसी रेगुलेटर बॉडी में पिछले दरवाजे से अभी के CMD को लाया गया, वो अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। और जिस तरह से उन्होंने अकूत संपत्ति अर्जित की, जो लाभ के पद के लिए बिल्कुल ही गलत है, और
हमारे नेता राहुल गांधी जी 2023 से लगातार सेल कंपनियों के 20,000 करोड़ रुपए का मुद्दा उठाते रहे हैं कि ये सेल कंपनियों के माध्यम से अदानी ने भारत में रेल सेल एयरपोर्ट पोर्ट की जो खरीदगी की है उसकी जांच होनी चाहिए। और जब सेबी के चेयरमैन का रोल भी संदेह के घेरे में है तो उनको न केवल बर्खास्त करना चाहिए बल्कि उनको सलाखों के पीछे जाना चाहिए। ये सवाल लेकर आज कांग्रेस पार्टी पूरे हिंदुस्तान के सभी प्रदेशों में प्रोटेस्ट मार्च कर रही है और इसको हम लोग इशू बनाएंगे देश की जनता के सामने कि किस तरह से शेयर्स में देश की जनता का लाखों करोड़ रुपया डूब गया और वो पैसा गरीबों को वापस मिलना चाहिए, न कि अदानी जैसे अरबपति लोगों को बिजनेस करने की उससे उस पैसे से छूट मिलनी चाहिए। इसी को लेकर आज बिहार कांग्रेस पार्टी ईडी दफ्तर में ज्ञापन देने जा रही है। हम लोग यहां से मार्च करके ईडी दफ्तर तक जाएंगे और ज्ञापन देके शांतिपूर्व प्रोटेस्ट करके और पूरे देश को बर्खास्तगी की मांग करेंगे सेबी चेयरमैन की। और इस तरह के आपराधिक साजिश को पर्दाफाश करने का काम करेंगे।